बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर होंठों को गुलाबी करना है तो रोज़ाना वैज़लीन और नमक मिलाकर होंठों पर लगाओ। अगर ठीक पानी का जायका भी आपको कड़वा लगे तो ये जादू होने की निशानी है। जो लोग दुबले पतले हों और वो मोटा होना चाहें तो वो सुबह के वक्त दूध में रोटी डुबोकर खाया करें, चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। बच्चों का कद छोटा हो तो माँ को चाहिए कि बच्चों को रोज़ाना साबूदाना ऊँटनी के दूध में बनाकर खिलाएं। जो औरतें अपने बाल हमेशा मजबूत और घने रखना चाहती हैं, वो नहाने के बाद बालों में हल्का हल्का नारियल का तेल लगाया करें, बाल सारी उम्र कमज़ोर नहीं होंगे। जो औरत हामला ना हो रही हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मसूर की दाल खाए। जिस घर में औरतें ज़्यादा मसूर की दाल खाएंगी वहाँ औरतें जल्दी हामला रहती हैं। चिड़िया का जूठा खाने खाने से कभी कैंसर नहीं होता। बिस्तर के साथ नमकीन पानी भरकर रख दो, पूरी रात मच्छर करीब नहीं आएंगे। इंसान का हाफ़ज़ा इन चीज़ों से महफूज रहता है। कुरान शरीफ की तलावत से गोश्त खाना, केलोला करना और शहद का इस्तेमाल करना। माल्टे ज़्यादा खाया करो, दांतों की सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं। रात को दो तस्बीह सूरह अख़लाक़ की पढ़कर सोया करो, इससे रिज़क की तंगी नहीं होती। अगर बच्चा पैदा हो इसका रंग काला हो तो इसको गाय का दूध पिलाओ, रंग सफ़ेद हो जाएगा। जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो वो हफ्ते में दो बार गाय का गोश्त खा लें, चंद दिनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। दही दिमाग के लिए नहायत मुफीद चीज़ है, सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा करता है। दही के इस्तेमाल से जिल्द साफ होती है, दूध की निस्बत दही जल्दी हजम होता है। चेहरे का रंग ख़राब होने लगे तो लीमू का अरक लगाकर सो जाओ, चंद दिन में चेहरा सफ़ेद और चमकदार नज़र आएगा। तली चीज़ों के इस्तेमाल से अगर बदहजमी हो जाए तो अजवाइन खा लो, ठीक हो जाओगे। अगर आप दही से अच्छा फ़ायदा चाहते हैं तो और पूरी गज़ाइयत चाहते हैं तो उसमें कुछ शामिल ना करें, बगैर चीनी के इस्तेमाल करें। दही आंतों के इन्फेक्शन से बचाता है। नाज़रीन, ज़हनी थकावट को हमेशा के लिए दूर करना है तो रोज़ाना सलाद खाया करो। चेहरे की झुर्रियाँ एक हफ्ते में ख़त्म करनी है तो एलोवेरा काट कर रोज़ाना चेहरे पर लगाओ। अखरोट होंठों के लिए नहायत फ़ायदेमंद हैं। अखरोट दही में मिलाकर खाया जा सकता है। पीले रंग का पखाना आए तो जान लो तुम्हारे अंदर पानी की कमी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। जो औरतें हफ्ते में मोटापा ख़त्म करना चाहती हैं वो रोज़ाना इमली का शरबत पी लिया करें। अगर भूख ज़्यादा लगने लगे तो दही ज़्यादा खाया करो, भूख कम लगेगी। सौंफ वाला दूध रोज़ाना पीने से रंग गोरा होता है और निखर जाता है। बाल झड़ना शुरू हो जाएं तो तिलों का तेल लगाने से बाल चंद दिनों में आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अरबी लोग नाफ में तेल क्यों लगाते हैं? नाफ में तेल डालने से चेहरे के हुस्न जमाल में इजाफा होता है। चेहरा, हाथ और होंठ सब ठीक हो जाते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जहनी टेंशन वगैरह से निजात मिल जाती है। बच्चों के हाफ़ज़ा और नज़र में तेज़ी होती है और बालों की सर की खुश्की कंट्रोल होती है। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगाया जाए तो चेहरा खिल जाएगा। जिनको दिल का मर्ज हो वो सेब ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हामला औरत अगर केले खाती रहे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। गाजर का रस पियो, तुम्हारे जिस्म से जहरीले मादे ख़त्म हो जाएंगे। नींद ना आने का मसला हो तो नीम गर्म दूध आंखों पर लगाओ, नींद जल्दी आ जाएगी। रात के टाइम चावल खाने से इंसान को नींद ना आने की बीमारी लगती है।
खाने के फौरन बाद फल खाने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। खाने के फौरन बाद पानी पीने से इंसान का रंग सांवला पड़ जाता है। आधे सर का दर्द हो तो अंगूर का रस पी लो। जिनको कैंसर का मर्ज हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस पिएं। जिनको खून की कमी का मसला हो वो बैंगन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेहंदी में नारियल का तेल शामिल कर लो और सर पर लगाने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। नाज़रीन, पिस्ता खाने से अमराज़ कलब की बीमारियों से बचा जा सकता है। सब्ज़ इलायची खा लेने से सीने की जलन ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, पट्ठों में दर्द हो सब्ज़ टमाटर खा लो, अफाका होगा। रोज़ाना 7 गिलास पानी पी लेने से जिल्द की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, कच्चे बेर खाने से बवासीर होती है। दूध में हल्दी शामिल करके पी लो, खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। खरबूजे के छिलकों को उबाल कर पानी से अपना मुंह धो लें, रंग साफ और गोरा हो जाएगा। अगर जुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करेंगे तो भूलने की बीमारी लग जाती है। नाज़रीन, ज़्यादा मीठा खाने से बहरेपन की बीमारी हो सकती है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। मैदे की सोजिश का मसला हो तो निहार मुंह अनार खाने से सोजिश खत्म हो जाती है। नाज़रीन, बार बार थूकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। दही में अंडा शामिल करके लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर जहनी दबाव रहता हो और दिमाग थका थका महसूस हो तो केले का जूस पीना शुरू कर दो, जहन फ्रेश रहेगा। अमरूद भून कर खा लेने से दमा की बीमारी ख़त्म हो जाती है। निहार मुंह अदरक और लीमू का रस पीने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। अगर चक्कर ना रुक रहे हों तो चारपाई पर लेटे और एक पांव ज़मीन पर रख दें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, अंगूर खाने से कुछ ही देर में बलगम खारिज होना शुरू हो जाती है। खारिश वाली जगह के ऊपर प्याज का रस लगा लो, आराम आने लगेगा। बंद गोभी के इस्तेमाल से मोटापा कम होता है। जिस इंसान को कमज़ोरी का मसला हो वर्जिश करना शुरू कर दे, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, बूढ़े लोगों को मछली नहीं खिलानी चाहिए, इससे नज़र कमज़ोर होती है। हमल के दौरान ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। दिमाग को तेज़ करना है तो दोपहर के वक्त कहवा पी लो। जो जिस्म पर जैतून का तेल लगा ले 40 दिन तक वो शैतान से महफूज रहेगा। अंडे की सफ़ेदी जली हुई जगह पर लगा लो, छाला नहीं पड़ता। कच्चा टमाटर निहार मुंह खा लो, लेकोरिया की बीमारी नहीं होगी। नाज़रीन, सर पर मूली का रस लगाने से आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। सोते वक्त पुदीने के पत्ते चबा लो, रात को बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। नाज़रीन, खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लो, मुंह पर दाने नहीं बनेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।